नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि शेरगढ़ से आ रही है, जहां पर NHIA की तरफ से आज जो 6 लाइन के लिए अधिकृत की गई भूमि पर है वहां पर कब्जा किया गया है। इससे पहले 9 गांव के किसान वहां पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ जो नेशनल हाईवे की पूरी जो टीम वहां पर पहुंची थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर लगाया गया था। और खबर ये भी आ रही है कि कई किसान नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो कि सक्ताखेड़ा के समीप जो NHIA की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो 6 लाइन का कार्य शुरू किया जाना है उसको लेकर कब्जा वहां पर किया गया है और खड़ी फसल को वहां पर नष्ट करके वहां पर जो कब्जा किया जा चुका है। और इससे पहले वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। कई किसान नेताओं को गिरफ्तार करने की खबर भी आ रही है, जिससे पहले किसानों की ओर से उग्र प्रदर्शन किया गया। हालांकि शेरगढ़ में भी वहां पर नेशनल हाईवे चाहता था कि वहां पर कब्जा किया जा सके अधिकृत की गई भूमि पर, लेकिन वहां पर किसान और जवान जब आमने सामने हुए तो वहां से पूरा दस्ता है वो चौटाला की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन सक्ताखेड़ा के पास जाकर वहां पर जो अधिकृत की गई भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं जहां पर 9 गांव के किसान जो कि लगातार पिछले कई महीनों से जो नेशनल हाईवे की ओर से अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मामला कोर्ट में भी चल रहा था, लेकिन नेशनल हाईवे के तमाम अधिकारी लगातार समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसानों के साथ कोई भी वार्ता उनकी सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद आज एक बड़े दलबल के साथ वहाँ पर NHIA की टीम वहाँ पर पहुँची और किसानों के साथ हालांकि काफ़ी हद तक वहां पर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन भारी पुलिस बल के बीच किसानों की नहीं चली और अब वहां पर जो अधिकृत की भूमि के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ किसान नेता इससे पहले कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है, वो भी आपको सुनवाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिरसा जिला का प्रशासन, हरियाणा की गठबंधन की भाजपा सरकार आज डवाड़ी के 9 गांव जो NH-754 के नेशनल हाईवे और NH-54 से प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पर जो ये रोड निकल रही है, हमने बार बार प्रशासन को कहा है, बार बार हमने सरकार को कहा है कि जो हमारी तमाम जायज़ मांगे हैं, जो किसानों के तमाम सवाल है, पहले शासन और प्रशासन उनका जवाब दे, उसके बाद रोड का कार्य शुरू करे, हम उनका सहयोग करेंगे। जो चीज़ शासन और प्रशासन को किसान से चाहिए होगी वो हम इन्हें उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन हमारी मांगे पूरी करना तो दूर की बात है, इन्होंने हमारे साथ बात करना भी उचित नहीं समझा। हमें हमारे सूत्रों से पता चला रात कि ये लोग जबरन लाठी गोली के दम पर छल कपट करके यहाँ की ज़मीन का कब्जा लेना चाहते हैं, सरकार दमन करना चाहती है, जो यहाँ का किसान किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। हम मुकाबला करेंगे तमाम किसान साथियों से और तमाम जो हमारे दुकानदार व्यापारी साथी जो खेती किसानी को बचाना चाहते हैं, जो किसान को आबाद देखना चाहते हैं, उन सारे साथियों से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से डवाड़ी के गाँव शेरगढ़ के बाहर जो जमींदारा होटल है उसके ऊपर सारे किसान साथी पहुँचे। अगर NHIA ने, ठेकेदार ने, शासन प्रशासन ने जबरन कब्जा लेने की कोशिश की, निश्चित रूप से आज आर पार का संघर्ष होगा और हम मुकाबला करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।